इन बंधनों की बैठक करी जाएगी, ठीक है। तो सामान मिल रहे भी मिल जाओ करे, बातें भी मिल जाओ करे, नमस्कार मित्रों, जय बागेश्वर धाम सरकार की, जय सन्यासी बाबा की। आज के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करते हैं बागेश्वर धाम सरकार। देख सकते हैं किस प्रकार के वस्त्र पहन कर आए थे आज गुरुदेव हमारे श्री धीरेन्द्र कृष्ण महाराज जी, आप देख सकते हैं। और उनके साथ में इंद्रेश उपाध्याय महाराज जी आज पधारे बागेश्वर धाम सरकार की कथा है। और अनेक प्रकार के नंदन अनुरुद्ध आचार्य जी और शिवराज चौहान जी मुख्यमंत्री जी, हाँ बागेश्वर धाम सरकार की कथा में ऐसे ऐसे महापुरुष विद्वान लोग ब्राह्मण लोग और बागेश्वर धाम सरकार की कथा में पहुँची। आगे बताते चले, बागेश्वर धाम सरकार के जब ये दोनों भाई से लगते हैं इंद्रेश उपाध्याय महाराज जी और बागेश्वर धाम सरकार, ये देख सकते हैं इंद्रेश उपाध्याय महाराज जी अंडा के जैसा चश्मा लगा के आ जाओ सारे मुंडे बना के आयो मेरा जिनी फैन। तो इंद्रेश उपाध्याय महाराज जी आज बागेश्वर धाम सरकार के अनुकंप कृपा पाने, हमारे गुरुदेव की कृपा आशीर्वाद पाने के लिए पहुंचे बागेश्वर धाम सरकार की कथा में। जी हाँ विदेशा में इसको पता क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं वाई फाई। हमारे बागेश्वर धाम सरकार का वाई फाई भाई, इसी से नेटवर्क आते हैं, इसी से सब इनकी जो परेशानी होती है इसी से इनको पता चलता है। इसी ये हनुमान जी का वो बोलता है मुगदल, ठीक है। बागेश्वर धाम सरकार की स्तुति करते हुए इंद्रेश उपाध्याय महाराज जी और अपने प्रभु वचनों से भक्तों को मोहित करते हुए, जी हाँ बागेश्वर धाम सरकार ने उनको कुछ वचनों का और प्रभु वचन कहने का आदेश दिया। और तो इंद्रेश उपाध्याय महाराज जी ने अपने मुखारविंद से कुछ शब्द ऐसे सुनाए जो कि गुरुदेव भी हाथ जोड़ने लगे। जी हाँ बागेश्वर धाम सरकार आज सफ़ेद कपड़े पहनकर, सफ़ेद धोती, और इंद्रेश उपाध्याय महाराज जी भी इन्हीं की तरह सेम टू सेम कपड़े पहनकर आए। जब ये दोनों निकल गए तो ऐसा समझ लो जुड़वा थे, एक दूसरे को पहचान ही ना पा रहे थे कौन से बागेश्वर धाम सरकार हैं। ये देख सकते हैं हन्ना के जैसा चश्मा लगा, हीरो भी फेल हमारे गुरुदेव के आगे तो और इनके आगे भी। जी हाँ देखो एक से लग रहा है ना, दोनों भाई से लग रहे हैं बागेश्वर धाम सरकार और इंद्रेश उपाध्याय महाराज जी। अगर आप इंद्रेश उपाध्याय महाराज जी को जानते हो मानते हो तो वीडियो को लाइक करो और शेयर करो, ना तो आप हमारे बागेश्वर धाम सरकार को तो मानते ही होगे। ये देख सकते हैं सभी का सम्मान सत्कार करने वाले हमारे पूज्य गुरुदेव झोली लेकर यहाँ। झोली का कारण बता मैं, हम एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। हमारे बागेश्वर धाम सरकार झोली क्यों रखते हैं ये सभी भगत देखते हैं, सभी भगत जानना चाहते हैं, सभी भगत खड़े होकर देखते हैं झोली में है क्या। क्या आप लोग झोली में जानना चाहते हैं क्या है, तो हम अगली वीडियो बना देंगे। ये देखते हैं मुगल दल की जो गदा है हनुमान जी का उसकी पूजा करते हुए बागेश्वर धाम सरकार, झोली है हाथ में और दोनों हाथों से कृपा बरसात हुई हमारे गुरुदेव बागेश्वर धाम सरकार की। वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और वीडियो के साथ बने रहें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर राय बता मैं। देख सकते हैं दोनों इशारे कर रहा, फ़ोटो सही से निकालना और सही से वीडियो बनाना। बागेश्वर धाम सरकार और इंद्रेश उपाध्याय महाराज जी की जय। राधा रानी की जय, बालाजी महाराज की जय, सनातन धर्म की जय, हिंदू राष्ट्र की जय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय श्री राम। कोई टूटी हो तो क्षमा कर।